When we went around the mini motorbus, no problem was gut, with worms and parasites we've done. बाबा बता रहे हैं कि मिनी मजबूरी में जब हम थे तो हमारा मुख्य प्रॉब्लम था गैस, पेट में गैस होता था और पेट में कुल नहीं थे. And also we found the drinking the water also affected us. हाँ तो पानी भी हमको शुद्ध नहीं हुआ था. लेकिन वहाँ हम में दवाइयों का स्टॉक भी रहता है. अगर कृमि की कोई दवाई है कि आप सजेस्ट करते तो निकाल के देते. Shana is the one, the homeopathic, but it's not very strong. Sometimes it doesn't work. So sometimes you need to use herbs. And Andrew actually bought बताने वो कि एक मेडिसिन का नाम बताया है चाइना, तो वही क्रीमी के लिए हम यूज कर सकते हैं. इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है. बंगलोर की दवाई है. वो काम नहीं किया. फैमिली का कुछ केमिकल उसमें डालेंगे हम बता रहे हैं पानी में. हमने डाला था और उससे हमको पीने के लिए अच्छा लगा पानी. तो बता रहे तो हम डालना चाहते हैं क्या डाल सकते हैं. So you can explain that. That's how that works, and we can actually send it from Australia. वो हम ऑस्ट्रेलिया से भेजना चाहते हैं. तो बाबा से पूछ रहे हैं कि क्या हम भेज दें उसको. आप तो खुद ही दे रहे हैं. चांदी के होटल में चांदी का सिक्का डाल के पानी पीते हैं. We're suggesting that each mini bar and marathon makes their own colloidal silver. We supply the machine and they make pour and put in water. They prepare the machine. तो हर मिनी मधुबन में उस चांदी का उसको तैयार करके पानी में डाला जा सकता है. चांदी का क्या? व्हाट डू यू प्रिपेयर? हाउ डू यू प्रिपेयर द कोलाइड? इट्स लाइक एन अ बैटरी और एन इलेक्ट्रोलाइट एंड यू पास द प्लेट फॉर सिल्वर. आई हैव अ सिल्वर प्लेट एंड द सिल्वर इज पास्ड इनटू द वाटर. आई कैन शो यू व्हाट इट्स लाइक. मैं दिखा सकता हूं. बता रहा हूं पानी में वो चांदी का प्लेट रखा जाता है. इट जस्ट लुक्स लाइक वाटर. पानी की जैसे दिखता है. You can see the silver. So very quickly absorbed. जल्दी से अंदर जा. And you can also do other minerals as well. You can have zinc, magnesium, and this is a very. ये मिनरल्स पानी में डाला जा सकता है बता रहे हैं. मतलब सोना चांदी तांबा पानी में मिला है. जितने भी है कोई ऐसी चीज बनाई गई है कि पानी में डालो और तुरंत दवाई बनाओ पी लो. दवाई डालती हूँ मेडिसिन आउट ऑफ दीज मेटल्स आउट ऑफ जिंक गोल्ड एंड सिल्वर दैट यू प्रिपेयर द मेडिसिन इंस्टेंटली एंड यू ड्रिंक इट. दवाई डालती हूँ दैट वे दवाई डालती. यू कैन ड्रिंक दिस वन दवा कैन फाइट. दिस इज अ मैग्नीशियम. You cannot drink straight. You have to put in water because very strong. Baba bata rahe hain magnesium ki dawai hai. Haan, strong hai. Haan. Dal dal kar ke li ja sakte hain. Pani dal kar ke li. Magnesium. Baba taste kar sakte hain bata. You what? I'm just what we're saying is that we found that the especially the sick ones in the Delhi house, they were deficient in minerals, particularly. A lot of them had joints or cramps, that sort of thing, and that's magnesium deficiency. So
बता रही थी, रविहार में हमने देखा कि ज़्यादातर जो हम प्रार्थना है उनको ज़्यादातर मिनरल्स की कमी है, मिनरल्स की कमी, हड्डी दर्द वगैरह जो हुआ है, बता रहे कि ज़्यादातर मैग्नीशियम की कमी हमने देखा वहाँ पर. And also the where I buy the इसकी कमी भी निकालने के लिए एम्स में दुनिया भर से वो डायग्नोसिस कराना पड़ता है और ये ऐसे देख करके इस पैसा लिए. In order to diagnose that they are diseases, they have to do lots of investigations in AIMS hospitals. Yes. And Babasir, you recommend just by seeing what deficiency is. Well, it's the common sense in a way. And you see that the gut is there and it's not absorbing and not eliminating, because many are constipated. They put their tongue out and it shakes. That's magnesium. Often if they have magnesium deficiency, and you can look at the nails and the eyes. और भाई को उसके बारे में ज्यादा अनुभव है कि मिनरल्स की कमी में क्या क्या होता है. आंखों को देखने से और नाखून देखने से उनको पता चल जाता है कि मिनरल्स की कम कौन सी मिनरल्स की कमी है. Symptoms, all symptoms, palpitations, all these things, cramping, showing symptoms of something. बताएं कि दर्द तेज हो जाता है और चिंतावट होती है शरीर में, कहीं कहीं चिंतावट होती है, तो ये सारा कम की निशानी है. We wish that we could have done more, but in the short time we were there, we tried to do what we could. But the other things we can send from Australia, but we'll send them to Baba. वो सारा हर्बल मेडिसिन जो है वो सारा हम लाना चाहते हैं, लेके आना चाहते हैं. सफेद चावल खाते हैं लेकिन वो जो उबाला चावल होता है वो खाना चाहिए था, लेकिन सफेद चावल खा रहे हैं. कौन खा रहा था? कम पैसा वही देखा जाता है, लेकिन वहाँ तो लाल चावल जो भी आता है वहाँ से चंडीगढ़ से, चंडीगढ़ खेत से, वो सारा का सारा लाल चावल आता है. व्हाटएवर सप्लाई फ्रॉम चंडीगढ़ फील्ड Red, that is a brand name.
But the thing is that the doctors that are constipated, they come with serious piles in the peripheral. They're the ones, they have too much love, और बैठे रहते हैं और ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो उनको ज़्यादा पैर की बीमारी है बता रहे छोटे उम्र 8 साल वालों को भी हम नहीं देखा पैर की बीमारी करते हैं ऊपर जाते कुछ करते हैं But also they have to move the muscles. The muscles, it's not just the legs. Because they get the neck, the spondylitis, the neck problems, and when they're sitting in yoga, they get bored. But the neck problems are there. They get the neck many. So I told them some simple exercise like this. They do this. This is exercise that they can do to strengthen the muscles in their neck and very slowly rotate the head. Little things like that. Even simple exercises. We told a few that had the problem. Anyway, we're just telling about our report. It's up to Baba. We're report de rahe hain Baba ki Baba ne aise exercises bhi bataye hum logon ko ki gardan mein gardan ko thoda mazboot karne ke liye exercises kiya jaye hai to bata rahe hain. So maybe we should bring some brown rice, a local brown rice from Australia, and show Baba. बताने की हम जिसको वो चावल ब्रांड है जो लाल चावल कहते हैं उसको हम ऑस्ट्रेलिया से ला के बाबा को दिखाएंगे हम जिसको कहते हैं ज्यादा रगड़ा लगा देते हैं उसका लाल हिस्सा निकल जाता है बिल्कुल नहीं निकलता छिलका निकालते हैं उसको लेकिन लाल को नहीं बिगड़ पड़ता लाल ऊपर का जो रेसा होता है वो सब रहता है मुझे चावल बनता है वो थोड़ा कड़क कड़क ऊपर का हिस्सा होता है चावल का लाल तो हमने नहीं देखा अपना जो चावल आता है सभी जो बनने का वाला हिस्सा है बनने का लाल भी होता है लाल बन होती है क्योंकि छिलका जो होता है लाल होता है उसका ऊपर का जो छिले निकल जाते हैं तो चावल निकल जाती तो लाल लाल बन रहती है कहीं ऐसा तो नहीं उबाला हुआ चावल कह रहे हैं उबाल के उसमें चावल होता है वो सब मिक्स कर देता चावल ये बॉयल 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 ऑलरेडी बॉयल हाँ बॉयल चावल होता है वो फिर धान को बॉयल किया जाता है फिर उसे निकाला जाता है पता नहीं इनको खा गई ये तो अलग चावल दिया तो वो ये बोल रहे हैं मैं सबके साथ खाया सभी को वही दिया गया मुझे भी वही दिया परोसा गया सबको वही परोसा गया हाँ रेगुलर की बात बोल रहे हैं 7 दिन रहे ना और सिर्फ हमारा आइडिया है सिर्फ रेखा को बढ़ाने की बात को बता रहे हैं खत्म हो गया ऐसा भी जैसे पालक आलक पालक है बच्चा गोभी है खासकर इस मौसम में सारी की इस मौसम में घर पर ज्यादा खाना पड़ेगा अभी इस मौसम में नहीं मिलते हैं वो बताए वो भी नाशपाती है बाहर हमारे कोई भी हर चीज मिलता है बाहर में
वो ज्यादा है और जो फल होता है वो तो थोड़ा होता है, थोड़ा खाते हैं, ये कम बेचा होता है। कम पेड़ों तो बाहर से फल आता नहीं, सब्जी जो खेत में होती है वो आ रही है। Just small changes are needed, nothing small changes. थोड़ा बहुत बदलाव से हो जाएगा। Very good. What do you think about Korean huff? You said they were quite expensive. Are they available from India, Korean huff? You know the Korean huff? It's a plant. If they put it in Metamucil, they put plants. उससे भूसी निकलती है या कुछ और भी निकलता है? And you mix it and you drink it as it's powder banta aata jaisa. Isabgul ka aata banta hai. Powder jo banta hai na. Isabgul ka bhusi alag aur isabgul alag. Is it premium different from husk or is it just husk? Baba ji asking just husk comes from the plant or how do you put it in the plant? How many days? Just husk in the plant? भूसी निकलती है वो सब बीज नहीं होता है, लेकिन बीज को कोई उपयोग नहीं करता है, इतना जानकारी नहीं है। You know Metamucil? You have Metamucil? It's used in our category. It has Syrian husk in it. I think you would find anyway, we'll try to find out and if we can get it, we'll plant some. English Brothers. I thought we need some improvement. मैं समझता हूँ कि बाबा चाहते हैं कि मैं हिंदी सीखूं और मैं भी वही चाहता हूँ। A couple of just easy suggestions which will help. बताएं कि कुछ मैं सुझाव देना चाहता हूँ आगे आने वाले जो भी विदेशी लोग हैं उनके नजर उनको नजर में रखते हुए कुछ सुझाव देना चाहता हूँ आगे के लिए। क्या नंबर वन ब्रदर हैज एट लीस्ट रीजनेबल इंग्लिश इन ईच प्लेस। एक भाई जिसको थोड़ा बहुत अंग्रेजी तो आता होगा वो एक जगह हर एक जगह में एक अच्छे जगह or someone who can go with them, like when I came, Harshavan came with me. This is many.
मैंने तो ज्यादा है, ढेर है जो जानते हैं, लेकिन भाई नहीं है, भाइयों की कमी है अंग्रेजी जानने वाले। भाई लोग तो जो यहाँ बिल्कुल ऐसे तबके के हैं जिनके घर में ज़्यादा इंतजाम नहीं है या ऐसे कुछ हैं कि, तो वो आ जाते हैं घर से परेशान होने वाले भाई लोग। अच्छा भाई लोग जो पढ़े लिखे होते हैं वो तो ट्रबल एट होम, ट्रबल स्टेइंग एट होम और दे आर नॉट सो वेल ऑफ, दे कम एंड स्टे इन द ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, ज्यादा होशियार होते हैं वो तो पढ़ लिख के अपनी नौकरी करते हैं। पता है कि मैंने ज्यादातर देखा कि वो इंग्लिश अंग्रेजी में बात कर सकते हैं लेकिन अंदर से उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, इंडिया में पता नहीं कि अगर वो एक ग्रुप बना के थोड़ा प्रैक्टिस क्लास जैसा करके अंग्रेजी का प्रैक्टिस करे तो अच्छा होगा। मुश्किल है एक आदमी से एक सेंटर मिलना मुश्किल है, बहनों के साथ भाइयों को ज्यादा बात नहीं करती जाती है, सिस्टर्स नॉट अलाउड टू टॉक टू द ब्रदर्स, दिस इज आल्सो अ प्रॉब्लम। दूसरी बात जो भी मोस्टली भाई हैं उनमें ज्यादा परसेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते ही नहीं, क्योंकि बड़े आदमी के बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, छोटे छोटे तबके के लोग हैं। That is why they have not studied in English medium. That's why they don't know English. So the second suggestion was that in each mini marathon that English knowledge are there to read. They should be available. बता रहे हैं कि हर mini marathon में अंग्रेजी की translated मूवियाँ जो हैं वो उनको मौजूद हैं, बहुत अच्छे हैं पढ़ने के लिए। हो रहा है धीरे 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 एक उर्दू को translate करने में जो हिंदी में छपी हुई है उसको जल्दी ट्रांसलेट किया जाता है, लेकिन अभी तो मुरली को ट्रांसलेट तो कोई करता ही नहीं, न मुरली कोई इंटरेस्टेड है पढ़ने में, क्योंकि मुरली हो गई थर्ड क्लास जो माउंट आबू छपी हुई है, और बाबा जो कुछ बोलते हैं उसके फर्स्ट क्लास समझते हैं, तो फर्स्ट क्लास को ट्रांसलेट कर रहे हैं लेकिन उसकी ट्रांसलेट करने की गति बहुत धीमी है। But Baba says those movies which are there, the printed movies of Mount Abu, they are not read by anybody now because they are third class. Correspondence, but the clarification. But Baba says the clarification which is there, Baba, that is on the process, that is being translated. Right. But it takes time. Each clarification, translation takes time. It's taking its own time. So it will be available gradually. But there is a few now that. अभी कुछ कुछ तो है मौजूद बता रहे हैं विजय विहार में जैसे शायद एक दिन या एक रात गुजारते हैं वहाँ पर, तो एक दो भी अगर मौजूद है तो भी काफी है वहाँ पर रखे जाए, काफी है एक दो एक दो ऐसे पढ़ने के लिए जो क्लैरिफिकेशन का ट्रांसलेशन है तो हमारे लिए तो कोई तकलीफ नहीं हुई इतना, क्योंकि यहाँ पर अच्छा मैंने ट्रांसलेट किया हमारे लिए और वहाँ पर अन्य आ गई मेरी ट्रांसलेशन करके हमको बताया उसका ने बताया कि 6 महीने में मैं भी कोर्स कर रही हूँ अंग्रेजी।
they don't worry about it, you can be all rich and stuff. He's going to be translating. And, yeah. It was also my experience in Champion that, especially when power cut, there was one morning there was no Merlin. So the brothers, I was up sitting with the Hindi brothers, and everyone's falling asleep, and there was hardly any light. So there was nothing, no churning, nothing was happening, no energy. Oh, but thank you for the name, for the call? I know, I can't feel. Company made by that I work, you did it early that year. तो फिर क्लास नहीं रहता है तो डिग्री चली जाती है तो क्लास नहीं रहता है और जो भाइयों इनके साथ जो बैठते हैं तो सारे गुस्सा खा रहे हैं या सो रहे हैं और ना ही कोई मनन चिंतन होता है इस मनन चिंतन चलता भी नहीं है उसको अच्छा बनाना चाहता हूँ पता है आगे के लिए When I first came to Kampil, one thing also on the solar, I thought a possibility of also wind power. बताएं कि जो हवा है ना हवा से जो ऊर्जा उत्पत्ति करते हैं बिजली का बैठा तो वो भी मैंने बोल रहा हूँ पवन चक्की पवन especially at night time the wind comes up so you have all night wind रात को बहुत हवा चलती है बता रहे हैं तो रात भर चलती रहती है हवा बहुत महंगा पड़ता है लंबा ऊंच बहुत लंबा करना पड़ता है उसका जो टर्बाइन होता है ना बहुत हमने देखा हवा नहीं है तो वो काम ही नहीं करेगा निश्चित हवा तो चाहिए घूमने के लिए No, it is not about just expensive. You need some wind. Constant. Constant. You don't get constant sun. Sun will. सुझाव है कि जब बिजली सोलर से ना हो तब हवा से ली जाए सुझाव दे रहे हैं हमारा सुझाव है सजेशन है है बाबा दुनिया के तीसरे तीसरे सबसे बड़ा पवन चक्की बनाने वाले कंपनी है ना भारतीय कंपनी अच्छा उसका उपयोग नहीं होगा जी ज्यादा उपयोग देखा नहीं गया वो उपयोग जो है एक तो माउंट आबू का पड़ता हुआ है थोड़ा कॉस्टली पड़ता है You know, everything is available over the internet. The third biggest company which makes windmills in the world is an Indian company. And the story of that company is from rags to riches. It is expensive. And what they are manufacturing, they manufacture mainly for exports because Indians can't afford it. But maybe we could get it cheaper from Australia, it might be cheaper that way. बोल रहे विदेश वही ऑस्ट्रेलिया से हम भेजने का कोशिश करेंगे पहुँच सकते हैं और वो कस्टम ड्यूटी और लगा देते हैं हाँ कस्टम ड्यूटी हाँ वो भी एक बात है वैसे लगाना नहीं चाहिए लगाना नहीं चाहिए कम हो जाएगा भाड़ियों
When I first went to Kampil, there was a brother who is now in BJ Vihar. I forget his name. Starts with S. But he was not from because there's no grudge there now. But also another brother, he was very much into churning medicine. Karan, he used to go up into the class and get everyone churning, and this was very good. करण भाई जो है कंपनी में जो अभी मुझे भी यार मैं शायद बता रहे हैं तो वो भाई जो है वो थोड़ा इंग्लिश में जानते हैं और सभी को मनन चिंतन करने में प्रेरित करते हैं ज्ञान के बारे में ज्यादा मनन चिंतन करने में प्रेरित कर रहे हैं इस बार वो नहीं था बता रहे Start a discussion after Morley Point, and so the day I was leaving, they were starting that. So maybe that could be something they could do in all the mini marathons. But I mean, today I made a suggestion to my husband that class after the class, class after the class, There's one more thing that we can prepare a list of rules to be given to the Vedeshi before they come, so they know what to expect. Things like the timetable. That they'll be sleeping on the floor, also that their bags will be checked. All these things, so they're not surprised, they know what's going to happen. अगर जो भी नियम है यहाँ के मधुबन के जो नियम है जैसे नीचे सोना होता है और जिसमें जितने बजे उठना होता है क्लास कितने बजे होता है तो ये सारे जो रूल्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा विशेष बना के विदेशियों को पहले से अगर मिल जाए वो यहाँ आने से पहले मैंने वो क्या यहाँ पर आके क्या वो देखेंगे ये सारा उनको पहले से अगर पता चले तो अच्छा होगा बता दें सरप्राइज न हो सकते उनको अचानक से ये सब ना देखे पहले ही उनको अगर पता चले कि उनका बैग भी चेक किया जाएगा ये सारा जो नियम है यहाँ का थोड़ा उनको अगर पहले से पता चले तो अच्छा है उनको पता नहीं हम चौकन्न हो जाते हैं तो हमको पहले से पता जाए कि हमको हमारे बैगिंग चेकिंग हो बैगेज जो है उसको चेकिंग की जाएगी Like a turtle from Brahma Kumari. So create too many problems. We understand that, but they should tell us, or if it's written beforehand, that your bags will be checked and everything like that. हम समझ रहे हैं इसके लिए किया जाता है लेकिन पहले से बताया जाए तो अच्छा रहेगा। So some questions. I have one. आप कुछ कब बताना है जो भी आने वाले हैं उनके लिए सब बातें बताएं। So about in the course, we were told that Vedanti has accepted her role. कोर्स में हमको बताया गया कि वेदांति जो है उन्होंने अपना रोल कबूल कर लिया है That's what I thought. In 76, when he wrote to me at the Ranchibaran. Baba ne sabhi ishara diya hai Vyakti Bhaktavan. Ki jo ati seva shuru karni chahiye, wo ab Afrika ne, itne saalon ke baad Afrika ne wo ati seva shuru ki hai. Baba ji, Vyakti Bhaktavan has just given the hint that whatever the original service that has to be, actual service that has to be started, has been started by Afrika now. Africa has started this service, the actual service. This Avik Swatara has given him. But he is correct. He
जनरली सबके सामने ये स्वीकार कर लिया है कि मेरा ये पॉइंट है. इट इज रॉन्ग टू से दैट ही हैज ओनली एक्सेप्टेड इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी दैट इट्स माय लॉर्ड. हां और ना 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 इंटरनली अंदर से उन्होंने अंदर से कोई दूसरा कह दिया है. सो हाउ विल अदर्स नो इट हियर एंड आई एम जस्ट फ्रॉम इनसाइड. वो तो साइंटिफिक से पहले से ही कहती थी मैं लक्ष्मी बनूंगी, इसीलिए हाल में मुझे लक्ष्मी बनना है. मेरा लक्ष्मी का पार्ट पहले से ही बोलते बाबा से बाबा को लक्ष्मी बन करके दिखाना है. बाबा से इवन बिफोर 76 repeatedly I have to become Lakshmi, I want to become Lakshmi, I will become Lakshmi and I will show Baba. And even last another one, because I thought of that one that is all into Dada, I've been churning this destruction. You've mentioned earthquakes and fire and lava. This, for the whole world to be totally transformed, for all the like metro to disappear, this lava must cover everything to totally destroy, especially steel and metal, such great heat. This is what's going to happen. इनाश के बारे में मैंने थोड़ा मंथन किया था, तो बता रहे बाबा ने जो भूकंप और लावा के बारे में जो कुछ भी बताया तो बता रहे कि जो ये जो भी चीज़ें हैं जो धरती पर हैं वो सारा पिघल जाने के लिए इतना गर्मी चाहिए. तो जगह नहीं, इंडिया में थोड़ा हिस्सा ऐसा बचेगा जिस जहाँ वो असर नहीं होगा भूकंप का. मतलब इन इंडिया देयर विल बी अ प्लेस, स्मॉल प्लेस वेयर द अर्थक्वेक एंड द लावा विल नॉट अफेक्ट अ रीजन. The cycle repeats identically, so all these structures that we have made will not exist in the Golden Age. So therefore they must be somehow destroyed. So what I'm asking is how are they destroyed? पहले इन्होंने बताया कि जो लावा है वो आके ये सारा स्टील मेट्रो जो भी बना हुआ है, जो भी सारा बिल्डिंग वगैरह बना हुआ है स्टील का है चीजों का, तो ये पिघलने के लिए तो बहुत लावा चाहिए, सारा कवर होना चाहिए जो भी चीजें हैं उसके ऊपर. और अभी पूछ रहे हैं कि तो कैसा होगा ये सारा जो चीज़ें हैं सभी कुछ बिना चीज़ों का बिना कैसे होगा. हर एक अणु का अपना एक साइकिल है, वर्ल्ड साइकिल 5000 ईयर, वो अपना साइकिल पूरा करके वहाँ पहुँचते हैं. किसी का छोटा साइकिल है, किसी का बड़ा साइकिल, उस प्रोसीजर से उसको गुजरना जरूरी है. जैसे आत्माओं को गुजरना है, यहाँ से आई कलयुग के अंत में आई और वापस जाना है, कोई 5000 वर्ष का चक्कर लगा के 84 का चक्कर लगा के 81 में फिर वापस जाएगा, तो उसको वहीं पहुँचना है. मैंने जो अणु जहाँ से आया है वहीं वापस पहुँचना है, चाहे चैतन्य हो और चाहे जड़ होटम. Each atom has to go back to its own place from where it has come. Hmm. So some atom will take a big cycle and some will take a very small cycle. Hmm. At the shoulder, for example, the soul also, it also passes through the same cycle, 5000 year cycle. Hmm. So the soul comes in, if it comes in iron age, if it comes in iron age, then it will take its cycle and it will go back to Paramatma. Similarly, some souls will come, they will take the 84 cycle, the birth of 84, cycle of 84 births. They will take and then they will go back. Similarly, each atom will have to go back to the place where from it came. So the steel has a short, in the cycle has a short time it has been developed. So it will only be, have to go back to that time. It won't be in the cycle for most of the time except at the end. Is that what they mean? Whether it is non-living or whether it is living. Everything has to go back to its own place. Mm-hmm. In the cycle of 5000 years, it will go back to its own place. Mm-hmm. So I'm just wondering how does that happen? कैसे होगा बाबा, ये जो सारी चीजें हैं जैसे स्टील की बनी हुई चीजें हैं, तो ये सारी कैसे विनाश होगा? जब लावा के अंदर चली जाएगी तो सारी मेल्ट हो जाएंगी. When it goes inside the lava, all of it, everything will melt. That's what he said from the sky. वही मैं बता रहा हूँ. ग्रेनाइट का पत्थर इतना बड़ा,
माउंट आबू इतना बड़ा पहाड़ तो दुनिया में है ही नहीं। माउंट आबू इट्स मेड ऑफ अ ग्रेनाइट स्टोन सो दैट बिग स्टोन इज नॉट देयर एनीवेयर इन द वर्ल्ड सच अ बिग स्टोन ग्रेनाइट मतलब ग्रेनाइट। वो भी लास्ट के विनाश में 5-7 करोड़ के विनाश में वो भी मेल्ट हो जाएगा। Even that, in the last 5-7 days of destruction, even that will melt inside the lava. So the lava must cover a vast majority of the earth. You're thinking of all of the European cities, the UK, USA, all these cities must be covered. Everything has to go inside the earth. जो धरती पर जो भी चीजें हैं जैसे यूरोप देश है तो इतनी सारी बिल्डिंगें बनी हुई हैं ढेर सारी चीजें हैं तो ये सारा इतना सारा लावा आएगा समंदर के पानी में डूब जाएंगे। से लावा बहुत कम बट एवरीथिंग विल गेट सबमर्स इन द ओशन वाटर एवरीथिंग विल गो इनटू द वाटर नॉर्थ पोल साउथ पोल मीलों सैकड़ों मीलों ऊंचे पहाड़ हैं बर्फ के वो पिघलेंगे समंदर में आएंगे तो ये सब डूबेंगे ना। जरा माइल्स ऑफ आइस नॉर्थ पोल साउथ पोल सो ऑल दिस विल मेल्ट सो द कहीं कहीं समंदर के अंदर ही लावा फट पड़ेगा destruction will happen when we least expect it. Is he referring to the PBK or the BK in this knowledge? Baba ne bataya tha ki vinash tab hoga jab hum uske bare mein bilkul sochenge hi nahi. Ha, ho jayega. Ha. To puchne ki kya ye PBK ke liye bata rahe hain ki BK ke liye bata rahe hain Baba? Sabhi ke liye bata rahe hain. To bol sakte hain, for all of them. Because the PBKs are giving many dates and this will happen and this will happen and destruction will be between this date and this date. So I'm thinking if one hand we don't know when it's, it will be a surprise for us and yet if we have these dates it's not a surprise. इतने समय और इतने समय के बीच में विनाश हो जाता है मैंने बाबा जैसे बता दी कि लक्ष्मी आने के बाद ऐसे बता देना और ज्ञान के हिसाब से लक्ष्मी आने के बाद विनाश होगा लक्ष्मी के आने का पता सबको एक साथ चलेगा एडवांस पार्टी वालों को या नंबर वार 2, 4, 8, 10, 20, 50 ऐसे पता चलेगा about Lakshmi coming here, it will be known to everybody at once or just 10, 15, 20 will know in the beginning. Not everyone will know in the beginning. Not everyone will know at the same time. Shankar ke aane ka pata, Shankar ke paath ke baare mein, sabko ye saar pata chal gaya, to 2, 4, 8, 10, 20, 50 aise chala. Only about Shankar's arrival, this revelation of his path. So will everybody know at once or just few, 10, 20, 30? मैंने बाबा वो बता रही थी जैसे ज्ञान के आधार से पता चलता है कि इतने समय के बीच में विनाश हो सकता है तो तब हमको सरप्राइज नहीं होगा ना पिछले पीढ़ी के वालों के लिए जो नहीं जानते हैं बिल्कुल ज्ञान के आधार से तो उनके लिए सरप्राइज होगा ना ऐसे जानकारी वाले थोड़े होंगे पहले बहुत छोटी दुनिया होगी या बड़ी दुनिया होगी बाबा जी दोस्त हूँ नो अबाउट दिस थिंग Will it be a small world of them or will it be a very big world? It will be only a small world. That is one very small. Very small. Very small. Which one more?
I would like to know who is the root of the Christian religion. वो बता रहे हैं प्रभु श्री की मैं जानना चाहता हूँ क्रिश्चियन धर्म का आधार कौन है आधार रूट और आधार तो जैसे पता नहीं बना ही है बेसिक नॉलेज में भारतीय जवान हूँ नॉट अबाउट ऑल दिस एजुकेशन जैसी आजकल बच्ची है ना सब कुछ अपनी मुट्ठी में कर रहा जैसे अमेरिका ऐसे सारा सारा ब्रह्म कुमारी जितने भी हैं सारा अपनी मुट्ठी में कर लिए वर्ल्ड मोर्चा के द्वारा They want to take everything under their control, possess everything, just like how America is. He says that even he has the same attitude. He wants the whole Brahma Kumari Ishwari Vishwajali, he has taken it under his control. He wants to possess the world, the world and the universe as well. So where is that exactly fitting? Because she's also a Christian root, or a Christian soul. So where is she fitting? Putna ki, Ravi Ganki kahan par fit hoti hai? Ram ki jadi, ya Kumar ka dadi, ya गुलजार दादी जी या जो भी दादी है वो सारी भाइयों की मुट्ठी में है बाबा से सिर्फ ऑल दीस दादी जान की दादी गुलजार दादी कुमार का दादी एवरीबॉडी इज अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस दादी सो ही नॉट सेइंग दैट शी फिट्स इन तो बाबा नहीं बता रहे कि जान की दादी कहां पर स्थित होती है कौन सी जगह पर स्थित होती है वो बाबा नहीं बता रहे हैं क्या कुछ जान की दादी के खुशी का नाम से नाम से जो देखा है क्योंकि वो माइक है जीके वाले का माइक है बता रहे हैं जैन की बातें बोलने में बोलने वाली है लेकिन अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और डिफरेंट फ्रॉम इनसाइड एंड टू डिफरेंट आई हैव अ क्वेश्चन कॉन्फिडेंस सो पारसी तो ईरान से आए रशिया से आए कोई भी कहीं के हो वो है तो सब इस्लाम पंथी से ही करते हैं लेकिन उनमें क्रिश्चियंस में कोई ऐसा तबका है जो छोटे तबका है मतलब सिर्फ उनके हाइट के बारे में बोल रहे हैं या सोशल स्टेटस सारा मिलके बोल रहे हैं धर्म वाले की इन हाइडन अपनी अलग अलग कोई पुरानी जाति है ऐसी अफ्रीकन निग्रोस इस्लामी मुस्लिम कंट्रीज कनेक्टेड है Mamaka is going to enter into his mother Lakshmi because they're going to give birth. All the 4.5 lakh souls who give birth to the other 4.5 lakh souls. Do those souls enter in the subtle form before they give birth? And how long do they stay? Who's your name, Mama?
कि जैसे ब्रह्मा बाबा जो है शंकर की शरीर में प्रवेश करते हैं और जो उमराजे मामा की सरस्वती है वो मामा की छोटे मामा की अंदर प्रवेश करते हैं तो उनसे ही वो जन्म लेने वाले हैं। तो वैसे ही 4.5 लाख आत्माएं जो जन्म लेने वाली है वो क्या 4.5 लाख आत्माएं जो जन्म लेने वाली है उनसे प्रवेश करते हैं And so how long do they stay? How long before you give the birth? Baba puch rahe hain ki janam dene se pehle kitna der tak wo unke andar sharir ke andar ye apna sabse alag alag Baba ke jo different to isko okay some stay long jo jis dharm se connected hai jise bhi religion ki pani related to isse pani so different time alag alag time Baba, with us buying, we're thinking of buying some property in India. If we cannot do it as foreigners, we're thinking we have to form a company with a Bharatwasi. हम कुछ प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं भारत में तो विदेशी की हैसियत से हम नहीं कर सकते हैं तो कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग खरीद सकते हैं लेकिन खेती के लिए नहीं खरीद सकते यू कैन एज अ फॉरेनर यू कैन ओनली बाय कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग बट यू कैन नॉट द फील प्लान यू कैन नॉट बोला कि भारतवासी किसी भारतवासी के पास हमें कंपनी फॉर्म बना के कर सकते हैं बाबा से कंसल्ट करने के बाद ही करेंगे धोखा खा जाएगा बाबा से कंसल्टिंग बाबा अदरवाइज और यही ईजीएस्ट वे टू बी एबल टू लिव इन इंडिया टू गेट अ वीजा If you form a business with a local person. बता रहे बाबा कि भारत में रहने के लिए या वीजा मिलने के लिए कोई भारतवासी के साथ लोकल भारतवासी होते हैं उनके साथ एक कंपनी बनाने से कुछ बिजनेस शुरू करने से वो बोल सकता है वीजा मिल सकता है या भारत में रह सकता है कोई बिजनेस करने That's what I was told by a foreigner who is trying to do that. ऐसे मुझे बताया गया है कोई फॉरेनर जो विदेशी जो ऐसा करना चाहता है सारे ऐसे आसानी से विदेशियों को यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीद नहीं पाते हैं तो उनको एक अच्छा कारण मिलना चाहिए उसके से कारण मिलना चाहिए तब वो खरीद सकते हैं हम पता लगा कि